नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीटीएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। नगर पालिका चुनाव में आज लखीमपुर खीरी पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वोट मांगे। योगी ने कल लखीमपुर में एक धर्म के लोगों ने देशद्रोही झंडे फहराया है उस मामले में कहा कि किसी भी समुदाय के लोगों को देशद्रोही को प्रशासन समय रहते सख्त कार्रवाई करे। किसी भी ऐसे तत्व को बख्शने की आवश्यकता नहीं है जो पाकिस्तान का झंडा लेकर घूम रहे हो फिर छाती चौड़ी करने का प्रयास कर रहे हो। इतनी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों को कुचला जा सकता हो कुचला जाना चाहिए, इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। भारतीय सुरक्षा के साथ राष्ट्रीय संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं है। प्रशासन से कहूंगा कि ऐसे देशद्रोहियों के साथ निपटे। वही शहीद दरोगा मनोज मिश्रा के परिजनों ने तख्ती लेकर योगी की सभा में नारेबाजी की। इस पर योगी का मूड खराब हो गया और कहा कि बंद करो यह बकवास, और लताड़ते हुए कहा इनको बाहर कर दो। जिनको सभा में सुनना नहीं उनको बाहर करो। योगी ने कहा कि अयोध्या में पिछली सरकार जाना नहीं पसंद करती थी, हम गए और दीपावली में रोशनी से जगमग भी कर दिया। जाने में लोगों को संकोच होता है लेकिन हमारी सरकार और हमें अयोध्या जाने में कोई संकोच नहीं, और अयोध्या में दीपावली की रोशनी से जैसे पूरी अयोध्या जगमगा रही थी, हर नगर निकाय को हम उसी रोशनी से जगमगाना। बिजली की कम खपत होगी और साथ साथ एक समान लाइट दिखेगी और एक समान लाइट केवल एक दिन। अर्पण आप सबको कहना चाहता हूं, अगर कुछ लोगों ने यहां पर किसी देशद्रोही के झंडे ले रहे हैं, प्रशासन समय रहते उनके खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई प्रारंभ करे। जो पाकिस्तान का झंडा लेकर के घूम रहा हो और फिर छाती चौड़ी करने का प्रयास कर रहा हो, जितनी शक्ति के साथ ऐसे तत्वों को कुचला जा सकता है कुचला जाना चाहिए, इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ, राष्ट्र की संप्रभुता के साथ और अपने नागरिकों की सुरक्षा के साथ इस सरकार किसी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसलिए मैं प्रशासन से कहूंगा कि प्रशासन को अपराधियों से, माफियाओं से, देशद्रोही तत्वों से जितनी सख्ती के साथ हो सकता निपटने की तैयारी करनी चाहिए। मुझे लगता है इस मार्ग में कोई बाधा कहीं दिखाई नहीं देनी चाहिए। भाइयों, हमारी पार्टी के समय तो बिजली नहीं आती थी, बिजली के दुश्मन है। चार जिलों में, तीन जिलों में बिजली मिलती थी, हमने सभी 75 जिलों में समान रूप से विद्युत का उपलब्ध करवाया है और हम लोग एलईडी स्ट्रीट लाइट के साथ जोड़ करके इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं।